अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हमारी ईद है, सऊदीया में ईद है, जद्दा में ईद है और हम ईद मना रहे हैं। और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, डिनर करने के लिए आए हैं अपनी फेवरेट प्लेस पे। और इसके बाद हम इधर उधर घूमने फिरने जाएंगे और मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगी। तो फिर अभी तो मैं आपको दिखाती हूँ डिनर और फिर उसके बाद जद्दा की ईद की रौनक दिखाऊँगी मैं आप सबको। तो रहिएगा मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। आज मैं आपको जद्दा की पूरी ईद दिखाऊंगी, जद्दा की पूरी रौनक दिखाऊंगी। हम यहाँ बैठे हुए हैं डिनर के लिए, माशाल्लाह बड़ी रौनक है। और आप देख सकते हैं कि पूरा रेस्टोरेंट जो है वो माशाल्लाह भरा हुआ है, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही। और अभी बाहर आपको रोड भी दिखाती हूँ, बाहर आपको लोग नज़र नहीं आएंगे। आज रश बहुत कम है, ट्रैफिक बहुत कम है, तो ईद पर ज़रा हमें मज़ा आता है कि ईद पर यहाँ ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है। और अभी देखते हैं, हम जाएंगे यहाँ से खाना खाने के बाद सी साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अगर रश नहीं है तो, अगर रश है तो फिर हम वहाँ से सीधा जाएंगे किसी मॉल में। और मैं आपको थोड़ी थोड़ी रास्ते में जो है वो जद्दा की रौनक भी दिखाती हुई जाऊँगी। डिनर हमारा आ गया है और चूंकि आज ईद का दिन था और वो रोज़ों की जो आदत हो गई है उसकी वजह से जो है वो सारा दिन कुछ खाया नहीं गया। हमारी उसी तरह की रूटीन चली जैसे रमज़ान में चल रही थी। और शाम में ही फिर हमने थोड़ा बहुत हल्का सा ब्रंच किया, फिर उसके बाद जो है हम डिनर के लिए आए हैं। तो सबको बहुत भूख लग रही है, फिर डिनर करने के बाद जो है वो मैं फिर आप लोगों से दोबारा बात करती हूँ। ये जद्दा की बहुत बिज़ी रोड है, यहाँ बहुत रश होता है, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है और जद्दा बिल्कुल क्वाइट हो रहा है। तो डिनर हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं, इधर एक मॉल में आए हैं ताकि थोड़ा सा वॉक हो जाए और थोड़ा सा जो है थोड़ी हमारी वॉक हो जाए और हम फिर से भी फ्रेश हो जाएँ, क्योंकि यहाँ हमने खानी है आइसक्रीम, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, उसके लिए थोड़ी सी पेट में जगह चाहिए। तो ये हम जा रहे हैं। जद्दा सब बहुत काम हो रहा है। इस वक्त हम जद्दा पार्क मॉल में हैं और ये बहुत बड़ा मॉल है और ये भी काफ़ी जो है काम है, इस वजह से हमने ये मॉल सेलेक्ट किया क्योंकि हमें थोड़ी सी वॉक करनी थी और ये काफ़ी बड़ा एरिया भी है। तो इस वक्त हम फूड कोर्ट में आए हुए हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पूरा फूड कोर्ट भरा हुआ है। चूँकि ईद का दिन है तो ईद में तो सिर्फ खाना पीना ही चलता है और यही आपको ये खाना पीना जो है वो सबको खुशी दे रहा होता है। तो सब मिलके अपनी फैमिली के साथ जो इन्जॉय कर रहे होते हैं, डाइन आउट कर रहे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश है। तो आपको रोड्स पे रश नहीं मिलेगा लेकिन आपको फूड कोर्ट में और जो इस तरह के और रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा रश मिलेगा। सारा दिन रेस्ट करने के बाद जो है वो मैं बहुत इस वक्त अपने आप को फ्रेश फील कर रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं आपके साथ खूब गपशप करूँ। तो मॉल में चलते हुए मैंने आपके साथ खूब बातें की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक जो है वो पता नहीं किस तरह से ऑफ हो गया और जब मैंने आपसे बहुत बातें करने के बाद वीडियो चेक की तो उसमें जो है वो जनाब मेरा वॉइस ही नहीं आया हुआ था। तो फिर मुझे अब यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, मैं आपको यहाँ बातें करती हुई चलती हुई नज़र आ रही हूँ, बट मैं जो है आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सकते, जो मैं सामने वीडियो में बोल रही हूँ वो नहीं सुन सकते, लेकिन तो मैं यहाँ वॉइस ओवर करके आपसे बातें कर रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हमारे साथ कि वीडियो में जो है वो हमारी वॉइस जो है वो अच्छी तरह से नहीं रिकॉर्ड होती, या समटाइम्स जो है वो माइक ऑफ हो जाता है या उसका चार्ज ख़त्म हो जाता है। दो के मैं इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ, बट ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो अब मैं आपसे जो है आप मेरी लिपसिंग जो है कुछ और देख रहे होंगे और मैं वॉइस जो है वो कुछ और हो रही होगी, तो बहरहाल आप इसको भी इंजॉय कीजिए। तो यहाँ न्यू यूट्यूबर्स के लिए, न्यू कमर्स के लिए एक टिप भी है कि अगर ऐसा कभी हो जाए तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छा सा वॉइस ओवर कर लें, अच्छी अच्छी बातें कर लें, तो आप जो है वो जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर लेंगे।
तो अब हो गया आइसक्रीम टाइम। तो आइसक्रीम जो है वो हमने मॉल से नहीं ली, वहाँ हमने खूब वॉक किया और फिर उसके बाद जो है चूँकि वहाँ रश बहुत था तो इस वजह से जो है हमने वहाँ से आइसक्रीम नहीं ली और हमने सोचा कि हम आइसक्रीम लेकर और घर जाएंगे। तो आइसक्रीम लेने के लिए हम आए हैं मैकडी और मैकडी से हम अपने पसंद की सब आइसक्रीम जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं और इसके बाद आइसक्रीम लेके घर जाएंगे। घर बैठ के कोई टीवी शो देखेंगे और उसके साथ साथ आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। तो बच्चे जो है वो अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। आज ईद की, आई होप कि उनकी ईद भी अच्छी गुजरी होगी और उनकी कल ईद है इंशाल्लाह, उनकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और मुझे आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। मिलते हैं ईद सेकेंड डे ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।